गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस अंदाज स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पार्ट 3 ईसा मसीह का अध्ययन करेंगे। यह जीवनी है। जीवनी क्या होती है? किसी के जीवन से जुड़ी हुई घटना पर आधारित कोई कहानी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ईसा मसीह। जो ईसा मसीह थे उनके बारे में आप जानते हैं कि हम क्रिसमस भी मनाते हैं। वह क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा कैसे थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई, लोगों ने उनके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ईसा एक महान आत्मा थी और उन्होंने मानवता की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। उनके जीवन का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या शिक्षाएं दी, किस प्रकार लोगों का भला किया। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई के बदले बुराई मत करो। पापी को दंड देना ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। ईसा मसीह कहते थे कि पाप से घृणा करनी चाहिए, लेकिन जो पाप करता है, जो पापी होता है, उससे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि हमें पाप ही नहीं करना चाहिए। बुराई के बदले बुराई मत करो। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारी बुराई की है तो हमें ये नहीं है कि हम भी उसकी बुराई करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पापी को दंड देना ईश्वर का काम है। यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है और हम सोच लें कि हमें उसका बदला लेना है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका दंड कौन देता है? ईश्वर देता है। तुम भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। और ईसा मसीह कहते थे कि हमें अच्छे कार्यों से जो गलत चीज़ है उन पर जीत हासिल करनी चाहिए। हमें अच्छे कार्य करते हुए ही बुरे कार्यों को सही कार्यों में बदलना चाहिए। ये उपदेश हैं प्रभु यीशु के, जिन्हें हम ईसा मसीह भी कहते हैं। यीशु भी कहते हैं ना ईसा मसीह को। तो ये उनके उपदेश थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई के बदले बुराई मत करो। पापी को दंड देना किसका काम है? ईश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। और भलाई से हमें बुराई पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ईसा मसीह ईसाई धर्म चलाने वाले थे। ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चलाया? ईसाई धर्म चलाया। इस धर्म के मानने वालों को हम क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं। वर्तमान में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो ये बात आप याद रखना कि कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि पूरे विश्व में। तो ईसाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म के ही हैं। महात्मा ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैथलहम नगर में हुआ था। ठीक है, तो ये याद करने वाली लाइन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? फिलिस्तीन के बैथलहम में। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इनके चौथे वर्ष से ईसवी संवत प्रारंभ हुआ था। हम कहते हैं ना ईसवी ईसा से पूर्व, तो जो हमारा वो है वो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा का जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ उसके चौथे वर्ष से ईसवी संवत प्रारंभ हो गया था। ईसा मसीह को लोग बहुत प्रेम करते थे। जो जनता थी, जो लोग थे, वह ईसा मसीह से बहुत प्यार करते थे। भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली जाती थी। इसका कारण क्या था? उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, क्योंकि वो लोगों को कुछ गलत शिक्षा देते ही नहीं थे। तब हजारों लोग उनके चारों ओर एकत्र हो जाते थे। वे श्रोताओं को कहानी और उदाहरण के द्वारा शिक्षा देते थे। कैसे शिक्षा देते थे? वो उदाहरण भी देते थे और कहानियां भी बताते थे। अपने सताने वालों को भी आशीर्वाद दो, अभिशाप नहीं। वो ईसा मसीह कहते थे कि यदि हमें कोई परेशान कर रहा है तो हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए तू हमें परेशान करेगा तो तेरा भी बुरा होगा। वो कहते थे कि उसको आशीर्वाद दो, हमें उसको गलत चीज़ नहीं कहनी है, गलत उसके बारे में नहीं बोलना है, हमें उसको कोई श्राप नहीं देना है कि तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो तेरे साथ भी वैसा करेंगे हम। बोले ऐसा हमें नहीं बोलना है, बल्कि हमें उसको आशीर्वाद देना है कि तुम्हारा कल्याण हो। अहंकारी मत बनो। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा किसने कहा?
ईसा मसीह ने। दीन जनों के साथ मिलजुल कर रहो। दीन जन, जो दीन जन हैं, जो दुर्बल लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, ठीक है, उनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझो। और यीशु कहते थे कि इंसान को कभी भी बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। उनको ऐसे लगना चाहिए कि मैं एक आम हूँ और मेरे पास सिर्फ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हमें बुद्धिमान नहीं बनना है, ऐसा समझना चाहिए। हमें लोगों की बातों को सुनना चाहिए। हमें अपनी अपना बखान नहीं करना है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तुम्हें ऐसे बता सकता हूँ। ऐसा वो करने के लिए इजाज़त नहीं देते थे। दूसरों पे दोष ना लगाओ, वो कहते थे। हमें कभी भी दूसरों को दोष नहीं लगाना है कि किसी ने कुछ कर दिया और हमने कह दिया नहीं, ये काम उस व्यक्ति ने किया है, तो ऐसा करना गलत है। जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। सब स्त्रियों को माँ बहन समझो, ये है उनके उपदेश। ईसा कहते थे कि सब स्त्रियों को क्या समझना चाहिए? माँ बहन समझना चाहिए। ये मनुष्य उपजाऊ भूमि के समान है, जो शुभ संदेशों को सुनकर समझते हैं और आजीवन मानते हैं। वे उन्हें व्यवहार में लाते हैं, इससे उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ईसा मसीह ने कहा कि मनुष्य क्या ऐसा है, एक उपजाऊ भूमि के समान है। जिस प्रकार एक उपजाऊ भूमि अच्छी फसल पैदा करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अच्छे लोग पैदा करते हैं, ठीक है। उनके जो विचार होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, जो क्या होता है, शुभ संदेशों को सुनकर समझते हैं और आजीवन उनका ही अनुसरण करते हैं। वे उन्हें व्यवहार में लाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोग शिक्षित होते हैं और उनका आचरण अच्छा होता है। फिर जब सारी चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी होंगी, तो उससे क्या होगा, हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। सब मनुष्यों को उपजाऊ भूमि की तरह बनना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा कि सारे मनुष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको ऐसा बनना चाहिए कि जैसे उपजाऊ भूमि होती है। यहूदी पादरियों को ईसा की लोकप्रियता से वह होने लगा। जहाँ ईसा रहते थे वहाँ पर यहूदी पादरी भी रहते थे। जब लोग ईसा का अनुसरण करने लगे, उनको मानने लगे, ईसा की प्रशंसा हर जगह होने लगी, तो यहूदी पादरियों को उनसे वह होने लगा कि हम तो कहीं नहीं रहेंगे। वे ईसा के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने ये सोचा कि हमें यीशु को मार देना चाहिए, जिससे ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ही गुणगान होगा। उन्होंने ईसा पर प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काने तथा धर्म विरोध का अभियोग लगाया। तो जो वहाँ के राजा थे, उनको ईसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत गलत बता दी, और उनको क्या किया गया, उनके ऊपर धर्म विरोध का अभियोग लगाया और प्राण दंड देने की सजा मिली। उस समय उनकी अवस्था केवल 33 वर्ष की थी। जब यीशु को प्राण दंड दिया गया, सूली पर लटकाया गया, तब उनकी उम्र थी 33 वर्ष। उन्हें क्रॉस पर लटकाकर प्राण दंड दिया गया। देखा है आपने, जो ईसाई लोग होते हैं वो अपने गले में क्रॉस पहनते हैं, तो वो ईसा मसीह का ही प्रतीक है, क्योंकि ईसा मसीह को उस क्रॉस पर लटकाकर ही प्राण दंड दिया गया था। ईसाइयों में क्रॉस धार्मिक चिन्ह माना गया है। जब ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया, इसी कारण जो क्रॉस है वह ईसाइयों का धार्मिक चिन्ह है। मरते समय उन्होंने हत्यारों के अज्ञान के लिए ईश्वर से क्षमा याचना की। जनता के लिए नए संदेश लाने के कारण उन्हें मसीह कहा गया। उनके उपदेश बाइबल ग्रंथ में संग्रहित हैं। उन्होंने अपने जो उपदेश जिस पुस्तक में लिखे हैं, उसको हम बाइबल के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस पर्व के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखा है ना आपको, हर जगह जो ईसाई लोग होते हैं वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गिरजाघर यानी कि चर्च को खूब अच्छे से सजाया जाता है। पूर्व रात्रि के 12 बजे चर्च की घंटियां बजती हैं, और ये घंटियां बजना किसका प्रतीक है, ईशा के जन्म का प्रतीक है। लोग चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, चर्च में घंटियां बजने लगती हैं, और वो घंटियां प्रतीक होती हैं कि इस समय ईसा का जन्म हुआ था।
तो लोग चर्च में जाकर क्या करते हैं, गिरजाघर में जाके क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और प्रे करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस पर्व का आरंभ संत निकोलस के समय से हुआ था। अभी संत निकोलस कौन थे इसके बारे में पढ़ते हैं। संत निकोलस को फादर सांता क्लॉज भी कहते हैं। सांता क्लॉज के बारे में आप जानते हो, जो गिफ्ट बांटते हैं बच्चों को। वे बहुत ही धनवान और दयालु पुरुष थे। उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए महान प्रयत्न किए थे। क्रिसमस पर्व पर किसी को लाल वेशभूषा में वृद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे फादर सांता क्लॉज या फादर क्रिसमस का प्रतीक माना जाता है। जो संत निकोलस थे वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने ईसाई धर्म का बहुत अत्यधिक प्रचार और प्रसार किया। वे बहुत धनवान थे। और ईशा, और आपने बच्चों देखा होगा क्रिसमस पर एक व्यक्ति मोटे पेट वाला, बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला, सफ़ेद जिसकी दाढ़ी होती है, जो लाल रंग के कपड़े पहनकर एक पोटली लेकर बच्चों के पास जाता है और उन्हें गिफ्ट देता है, वो कौन थे? वो फादर सांता क्लॉज ही थे। इस पर्व पर हर ईसाई अपने घर के किसी कमरे में या बाहर खुले मैदान में सदाबहार वृक्ष या कृत्रिम वृक्ष सजाते हैं। क्रिसमस ट्री को आपने देखा है, हर लोग अपने घरों में आजकल रखते हैं और क्रिसमस पर उसको डेकोरेट करते हैं। इसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं। यह प्रभु यीशु के अमर जीवन का प्रतीक होता है। क्रिसमस को क्या कहा गया है? यीशु के, जो ईसा मसीह थे, उनके अमर जीवन का प्रतीक माना गया है। इस वृक्ष पर रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उपहार लटकाए जाते हैं। जब हम उसको सजाते हैं क्रिसमस ट्री को, तो देखा है इसमें लाइट लगाते हैं और मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं और उसमें छोटे छोटे गिफ्ट भी लगाते हैं। वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर तारा बनाया जाता है। यह तारा उस तारे की याद दिलाता है जो यीशु के जन्म के समय आकाश में चमका था। यदि आपने क्रिसमस ट्री को देखा हो तो उसके सबसे ऊपर टहनी पर क्या होता है, एक तारा लगाया जाता है। और वह तारा किसका प्रतीक होता है? कि जब यीशु का जन्म हुआ था वह तब चमका था, तो यह तारा उसी का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। बच्चे पहले से ही उपहार पाने के लिए सांता क्लॉज के नाम पत्र लिखकर अपने माता पिता को दे देते हैं, और उन पत्रों को पढ़कर माता पिता क्या करते हैं, पलंग के नीचे बच्चों की जो चहेती चीज़ होती है, जिसकी वो कामना कर रहे हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसको रख देते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी जो विश है, जो हमने पत्र लिखा है, वह सांता तक पहुंच गया है और वो हमको रात में आकर गिफ्ट दे गया है। बच्चे उसे सांता क्लॉज का दिया हुआ उपहार समझते हैं। इस दिन के लिए क्रिसमस केक विशेष रूप से बनाया जाता है। ईसाइयों में क्या है, क्रिसमस पर्व पर जो केक बनता है वह बहुत अच्छा होता है और वह जरूरी होता है, क्योंकि इन लोगों के क्रिसमस पर केक ही बांटा जाता है। ईसा मसीह ने मानवता को दया और करुणा का उपहार दिया है। इसी से यह महान पर्व मित्रता, शांति और उमंग लेके आता है। यह हमें दीन दुखियों की सहायता करने तथा सबसे प्रेम करने का संदेश देता है। इस पर्व को बड़ा दिन अर्थात विशेष दिन भी कहते हैं। जो ये क्रिसमस का त्यौहार है वह क्या है, क्या लेके आता है? मित्रता और शांति का और उमंग लेकर आता है ये जीवन में। और ईसा मसीह ने कहा कि हमें दीन दुखी जो लोग होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए और सभी लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए, किसी से हमें बैर भाव नहीं रखना चाहिए। और ईसा ने क्या किया, लोगों को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिसमस को हम क्या कहते हैं, बड़ा दिन, ठीक है, इसको एक विशेष दिन भी कहा जाता है। हम कहते हैं ना, जब क्रिसमस की छुट्टियाँ आती तो बड़े दिनों की छुट्टियाँ आ गई, तो इसको हम 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि ईसा मसीह ने क्या क्या कार्य किए, कैसे लोगों को शिक्षाएं दी, कैसे उनका जीवन था, कैसे उनकी मृत्यु हुई और क्रिसमस पर हम कैसे मनाते हैं। अब पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ देख लेते हैं। पाप का अर्थ होता है बुरे काम, अभिशाप शाप, संग्रहित एकत्र करना, प्रतिफल परिणाम, वांछित यानी कि चाहा हुआ, जो मन ने चाहा है वो, श्रोता सुनने वाला, अभियोग जुर्म नियम विरुद्ध कार्य करना, प्रतीक चिन्ह, प्रतिशोध बदला। तो बच्चों, आपका यह पाठ ईसा मसीह की जीवनी थी, ये यहीं समाप्त होता है। PDF में वर्क आएगा, उस वर्क को अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, सुंदर करना है और स्वच्छ करना है, और साथ ही साथ जो वर्क आ रहा है उसको याद भी करना है। तो आपका यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।